गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बीटीसी मैथमेटिक्स चैप्टर वन संख्या पद्धति और प्रश्नावली हम लोग बना रहे हैं 1.2 1.2। इससे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 किस प्रकार निरूपित करेंगे। हमें दिखाना है कि कैसे हम अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट मानकर चलेंगे, इकाई एक इकाई। ए बी और ए बी को भी एक इकाई मानकर चलेंगे 1 यूनिट। संपूर्ण त्रिभुज यहाँ बन रहा है ए ओ बी, यहाँ क्या बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज बनता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस बेस पर चलते हैं, या कर्ण क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और दो ओ ए मतलब कि 1 यूनिट है और ए बी भी क्या है, 1 यूनिट ही माना गया, तो ए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। जैसे हम इसका ओ बी स्क्वायर स्क्वायर को जैसे हटाएंगे तो अंडर रूट 2 में 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो गया। अब संपूर्ण त्रिभुज बी ओ सी में चल रहे हैं, बी ओ सी, इसको भी बी और सी की का डिस्टेंस जो होगा 1 यूनिट होगा, 1 इकाई ही होगा। इस तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, ओ सी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या है, अंडर टू है, तो अंडर टू द होल स्क्वायर प्लस 1 का द होल स्क्वायर, 1 का भी हम स्क्वायर यहाँ करेंगे, तो इसका अंडर टू का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से जब हम इसका ओ सी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 हो गया। फिर हम चलते हैं, फिर एक यूनिट ले लेंगे हम सी डी इक्वल टू 1 यूनिट, फिर हम डी ई इक्वल टू भी 1 यूनिट लेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी पाइथागोरस के प्रमेय से इसमें भी चलेंगे कि ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसका भी क्या है, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर कितना आया हमको, ओ सी बराबर कितना है, अंडर रूट 3 आया है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि डी सी बराबर 1 यूनिट मानकर चला है, तो 1 का 1 होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और जैसे ही हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 4 का वर्गमूल 2। फिर संपूर्ण त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ से डी और ई को भी हम एक यूनिट मान लेते हैं, डी ई एक यूनिट। फिर हम संपूर्ण त्रिभुज में चलेंगे डी ओ ई, यहाँ संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर, एक कर्ण हो गया तो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओ डी, ओ डी कितना है, 2, चूंकि यहाँ निकल गया था 4 का वर्गमूल 2, और डी ई कितना है, 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो जैसे ही हम ओ ई स्क्वायर में स्क्वायर इसका हटाएंगे तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 5 जो था, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ओ को केंद्र मानेंगे और ओ ई एक केंद्र हो गया, और इसको त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे, क्या करेंगे, चाप खींचेंगे, और चाप इस रेखा पर जहां मिलेगा वही क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को या कोई भी संख्या आती है तो उसे निरूपित कर सकते हैं, जहां ओ ई बराबर क्या है, ओ ई डैश यहाँ दिया हुआ है, ओ ई बराबर ओ ई डैश, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, अंडर रूट 5 होगी। इस तरह से हमने साबित कर दिया कि संख्या रेखा पर किस तरह से अंडर रूट 5 को दर्शाएंगे या निरूपित करेंगे। फिर कल अगले वीडियो में आऊँगा, सर धन्यवाद।